या तो दूरों नेड़ों पहुंचे हुए पैनों पर हो बच्चों फतेह जी साहब पाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। सिद्धू परिवार सलूट करता है, एक थोड़ा हौसला मैं इन्ने वे पहाड़ जेडे दुख नाला ढा लाने की समर्था दिता है। देवल तो लेके जिस दिन की घटना हुई है उस दिन तो लेके थोड़ा जरा मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़ता जज्बा सी मैं भीर इतों तक पहुंच सकिया क्योंकि सिद्धू मेरा पुत नहीं सी कला मैनू ओदे जान तो बाद पता लग्या वो तो हर एक परिवार का पुत सी हर एक भैन का भरा सी हर एक वीर का वीर सी। सिद्धू की महापुरशां वर्गी शख्सियत नूं जिथों विश्व भर के विचों सत्कार मिलिया हर अख ने हंझू सुटे तो किते किते लगता है फखर का सिर भी उच्चा हो गया है। बीरो असी तक सिद्ध पदरे जट साडी इन्नी कमाई है नहीं सी जिनी बड़ी मैनू मेरा पुत खड़ा कर गया। फिर भी इना कुछ चंगा करते हुए यहो जे हालात क्यों बने कि पंजा बंदे उदा बैरी बन के उड़ाउण दीआं सोचना कर लगे। सानू इस गल दे उत्ते भी झात मारनी पऊगी कि असी पंजाबी इन्ने निकम्मे हो गए असी 10-20 हज़ार की खातर किसी के घर दीआं ब्यौतां घर नूं पट्टण दीआं ब्यौतां दे विच शामिल होण लग गए। वीरो इस गल दे उत्ते सानू विचार करनी पऊ मेरा बच्चा जे मैं उन्हें कि अलर्ट भी करता सी तां मैनू हस के कहता बापू अपनी किहदे नाल दुश्मनी है ते जिन्ने बंदे उन्हें मारन ते लगे तां मैनू ऐ लगता अपनी है किहदे नाल ही सी। सो पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है इन्होंने गैंगस्टर के खिलाफ हुण तक जो काम किया मैनू संतुष्टि है इस काम तो पर ये लड़ाई एड्डी खिलरी हुई है एड्डी लंबी है इहदे विच इन्ने लोग बाहरों दूजिया स्टेटां दे शामिल है दूजिया कंट्रिया च बैठे ने केस लंबा चौड़ा बहुत है पर जे असीं उहनूं कह दईए भी ये काम बिल्कुल ठीक हो गया तां इहदा मगरा आपां नूं एक चौकीदार बन के करना पैंदा। ये लड़ाई जद तक इहदे सरगणे 200-200 बंदा लेके VIP ट्रीटमेंट लेके चलते रहेंगे विरोध तद तक अपने हिर के बलूंदरे ही जाते रहेंगे। तुसीं कल ही देखा होना है कि सेंटर सरकार का फरमान है स्टेट नूं लॉरेंस की जान नूं खतरा है जगो नूं खतरा है विरो 70-70, 100-100 परचे करके खतरा किनू होवे मैनू होवे जदों किसी ने धीआं पुत्तां नूं मारोंगे जाके ता खतरे सहे डांगे ते जे लोकां ने पुत मार के खतरा पाउंदा तां फिर डरदे किस गल तों फिर सामना करो सकदे हो साडे ह्यूमन राइट्स दीआं जो कमजोरियां ने ये छत लोक उहनां दा खूब फायदा चक रहे। मैं मान जो सुप्रीम कोर्ट दे विच बैठे विद्वान जजां दे सामने एक दुखी प्यो दी हथ बन्ह के बेनती है भी तुसीं भी इन्हां परिवारां चों जाने हो जदों इन्हां नूं इहो जिहां पावरां दिंदे हो थोड़ा जिहा साडा भी देख लिया करो भी एक 5-7 किले वाले जिमीदार दा वट्टां ते भी फसा उहदे ह्यूमन राइट्स दी राखी कौण करूगा। साडियां बुद्धिजीवक थोड़े ते आसां ने जे थोड़े कानूनी साडे लई कानून अलग और बदमाशां लई कानून अलग बनाउणगे
ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਪਨਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਆਜੂਗਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ।